हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? तो दोस्तों, आप सबने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने एक पार्ट को भी थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो बाद में भाई क्या हो गया कि यार क्या हो गया हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप किए बगैर मत देखना, ठीक है? सॉरी, स्किप मत करना, सॉरी सॉरी, ठीक है ना? तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हयातो का करेक्टर है फ्री फायर में, सबसे ज़्यादा मतलब लोगों का फेवरेट करेक्टर रहा है, क्योंकि जैसे इसको डैमेज पड़ता है तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा हयातो का करेक्टर पसंद है, और बहुत से लोगों ने इसे परचेज़ भी किया है, और इसीलिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने परचेज़ नहीं किया वो चाहते हैं कि इसे गोल्ड में आ जाए। और मैंने पीछे एक रमर सुनी थी कि गैरीना ने कहा कि वो इसे गोल्ड में देगी। गैरीना भाई जब कुछ कहती है तो ऑफिशियली उनके फेसबुक पे पेज है, उस पे जाकर कह देती है। आप जाकर चेक कर सकते हो उनका पेज, तो उस पर अगर उन्होंने कुछ कहना होता है ना तो वो भाई उधर कह देते हैं। ऐसे कुछ नहीं, मतलब किसी के कान में आकर वो कुछ नहीं कहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि गैरीना कह रही है, गैरीना कह रही है। मुझे भी ऐसे ही पहले शक हुआ था, फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसा भाई कुछ नहीं होता। गैरीना जो कहती है वो फेसबुक के पेज पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है, जिससे सबको पता चल जाता है। तो दोस्तों, बात ये थी कि वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हयातो जो है गोल्ड में आएगा, गैरीना ने कहा। ऐसा कुछ नहीं गैरीना ने कहा, लेकिन कुछ मतलब कुछ सर्वर्स में इवेंट है जहाँ पर गोल्ड रॉयल में हयातो आ रहा है। तो उसका प्रूफ मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जो कि प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें आपको गोल्ड रॉयल में इसी मतलब ये जो है ना गोल्ड रॉयल, इसमें ही आएगा, यही बंडल होगा उसका, क्या नाम है उसका, रेयर आइटम में। और जहाँ पर ये मैंने रिप्लाई मैप पर क्लिक कर रखे वहाँ पर आया तो होगा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई, ये वीडियो को पॉज करके सही तरह से देख लो, जहाँ से मर्जी देख लो। ये देखो सबसे पहले है, कोई एडिट की हुई वीडियो नहीं है, बिल्कुल मतलब रियल प्रूफ है, आपको दिखाया है मैंने। तो आपने देखा कि यार गोल्ड रॉयल में आपको दिखाई दे रहा था उस वक्त, वो कोई क्लिप ने फोटो नहीं था, फोटो होता तो मतलब एडिट कर सकते थे उसे, नहीं लेकिन वो था एक क्लिप। तो उसमें मैंने आपको दिखा दिया कि वो गोल्ड रॉयल में आया हुआ है, लेकिन उसमें भी उस सर्वर में भी जहाँ पर वो इवेंट आया है उस सर्वर में भी ये क्या नाम है उसका, इधर करेक्टर्स में डायमंड का ही है। हाँ जी हाँ दोस्तों, करेक्टर्स में डायमंड का है और उधर गोल्ड रॉयल में आया है, तो वहाँ से आप ईजिली खोल सकते हो इसे। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत पसंद आई है कि गोल्ड रॉयल में आ गया, आगे आपकी किस्मत कि आपका खुल जाए या फिर ना खुले। तो यार कितना एक मतलब टाइम लगेगा, कितने आपके गोल्ड लगेगा? तो आपको पता तो है गोल्ड रॉयल होता है 50 दिन तक, 60 दिन तक, 2 महीने तक होता है गोल्ड रॉयल। तो जब तक गोल्ड रॉयल ख़त्म होगा तब तक तो भाई आराम से आप निकाल लेते हो हर चीज़। पहला रेयर आइटम ये जो लड़की वाला है, ये भी मेरा 5-7 दिनों में निकल आएगा, या शायद आज ही निकल आए। मैं सिर्फ 20-25 स्पिन करता हूँ ताकि वो वीकली जो होती हैं वो चीज़ें ले सकूँ, मैं ज़्यादा स्पिन नहीं करता, इसलिए मेरे ये अभी तक नहीं निकला। तो आपका अगर इवेंट नेक्स्ट में शायद गोल्ड रॉयल में आ जाए, उनका इस गोल्ड रॉयल में आ गया, हमारा शायद नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में आ जाए। जो लोग कह रहे थे कि यार गैरीना ने कहा गोल्ड में देंगे, उसका मतलब शायद यही होगा। आपने कहेंगे कि यार बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके सब्सक्राइबर इतने हैं, तुम्हारे काम है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, जब भाई कुछ गैरीना ने बताना होता है तो उन्होंने इसलिए ऑफिशियल पेज बना के रखा हुआ है, ताकि उसको सब कुछ चीज़ें जो हैं गैरीना ऑफिशियली जो कर सके अनाउंस। ऐसे कोई नहीं किसी के मतलब यूट्यूबर को उनका अपना नहीं बता सकते, उनके सब्सक्राइबर यूट्यूबर से कम है, तो इसलिए वो इन्हें बताते हैं ताकि आप लोग दूसरों को बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसी बातों पर ज़्यादा मतलब ध्यान मत किया करो। तो करेक्टर में ये डायमंड का ही रहेगा, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनका बिक रहा है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।